एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हम सबके पास होती है पर हम उसे यूज नहीं कर पाते। पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम के बारे में कि हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते, फिर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या, कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम अपनी नया जॉब स्टार्ट करते हैं, नया वर्क स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम एक दूसरे की कॉपी करने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सोसाइटी में या फिर फ्यूचर में या लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सक्सेस ली है, अगर हम उसके स्टेप पे चलें तो हम सक्सेस हो जाएंगे। आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे, इसमें कोई वो नहीं ना, अगर आप बिल्कुल वो स्टेप फॉलो करो तो आप होगे नहीं। लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में गिव अप भी कर जाते हैं, कुछ तो बाजी मार जाते हैं, कुछ कर जाते हैं गिव अप। अब गिव अप क्यों करते हैं? गिव अप इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी वो किसी की कॉपी करते हैं उनके पास एक लिमिटेड आइडिया होता है, लिमिटेड आइडिया कि जो उन्होंने दूसरे इंसान का देखा है कि उसने ये स्टेप फॉलो करे तो मैं भी ये स्टेप फॉलो करके ऊपर उठ जाऊंगा, उसके बाद वो स्टेप नहीं होते उस। इसलिए वो इंसान सोचता है कि यार अब तो मेरा कुछ ग्रो नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, उसके मन में से नेगेटिविटी आ जाती है और वो गिव अप कर देता है। फिर वो सोचता है कि यार कुछ और करते हैं, फिर वो कोई दोबारा देखेगा कि सोसाइटी में ऐसा कौन सा लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, किस टाइप का काम कर रहे हैं। गलती यहाँ पे होती है सबसे बड़ी। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। एक चीज़ है जो साइंटिफिकली प्रूफ हो सकती है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर बताऊँगा। क्या प्रूफ हुआ है? ये कि हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, 60,000 से ज़्यादा आइडिया जनरेट होते हैं हमारे माइंड में, साइंटिफिकली प्रूफ है ये। अब सोचो, अब वो डिपेंड करता है आपके दिमाग पे कि आपका दिमाग क्या चीज़ सोच रहा है, कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, घूमने के बारे में, खाने के बारे में, वो आप पे डिपेंड है आप क्या चीज़ सोच रहे हो। अब सोचो कि जब एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं हमारे दिमाग में, उसमें 60,000 में से कोई एक ऐसा आइडिया ज़रूर आएगा कि जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, पर क्या होता है हम करते नहीं हैं। करते क्यों नहीं है? हम सोचते यार कि माइंड में आया, अरे ऐसे ही होगा, हम ये सोच जाते हैं ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं, मन में तो कितनी भी बातें चलती रहती हैं, ये सोच लेते हैं हम, वहीं पे हम गलती कर जाते हैं। अगर आप अपने मन की सुनने लगे ना कि आपके मन में कोई आइडिया आया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर रहा पर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपने आइडिया किसी को बताते हो तो वो यही कहता है कि अरे यार ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा होता ही नहीं है। यार सारे काम होंगे, जहाँ पे बात निकल के आ जाए ना ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, वहाँ पे आप ऐसे हो जाओ कि हुआ नहीं है तो जभी तो मैं हूँ करने के लिए। सोचो उस चीज़ को, मन में इतने सारे आइडिया है, उसमें कोई ना कोई एक आइडिया आएगा, एक दिन नहीं आएगा, दो दिन नहीं आएगा, तीन दिन नहीं आएगा, एक महीने नहीं आएगा, दो महीने नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? हर रोज 60,000 आइडियाज आते हैं, दूसरे दिन 120, फिर बाद में डबल, फिर वैसे, कब तक आइडिया नहीं आएगा, कब तक? बट बात ये आती है कि आप सोचते क्या हो, आपने माइंडसेट लेवल कैसा कर रखा है अपना। अगर आपने काम से रिलेटेड कर रखा है तो वही थ्रोट आएंगे, आपने घूमने से खाने से रिलेटेड वही आएंगे, ऐसा नहीं होता कि वो हम पे हावी हो जाए। अब देखो उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जिससे आपको बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये बात सच है। आप लोगों ने एक पहले गेम चला था, वो अब भी थोड़ा बहुत चलता है पर वो मोस्टली लोग बोर हो जाते हैं तो खेलते नहीं है, एंग्री बर्ड, आप लोगों ने सुना होगा। एंग्री बर्ड उसने पहले डिजाइन किए थे 50, उसकी जो स्टोरी है वो बता रहा हूँ, 50 गेम डिजाइन किए थे एंग्री बर्ड कंपनी ने, जो भी उस कंपनी ने बनाया मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जाम्पल याद आया है, ठीक है, 50 गेम डिजाइन किए थे, उसका एक भी गेम नहीं चला। सडनली उन्होंने 51 जो गेम डिजाइन किया था वो उन्होंने एंग्री बर्ड किया था, ठीक है, वो उनका गेम इतना अच्छा चल गया। अब इसमें भी एक क्लू है, एंग्री बर्ड में उन्होंने किसी की कॉपी नहीं करी, उन्होंने पहले अटेम्प्ट करे उसके वो डिजाइन बनाने में, कार्टून का डिजाइन जो होता एंग्री बर्ड का रेड कलर का, वो डिजाइन बनाने में उन्होंने देखा कि यार ये डिजाइन कैसे बन सकती है। अब उन्होंने जब डिजाइन देखी कि वो कैसे बन सकती, कम से कम 10 से लेके 20 अटेम्प्ट हुए थे, आई थिंक 10 से 20 अटेम्प्ट हुए थे, इतना श्योर नहीं हूँ, तब जाके सडनली वो एक अटेम्प्ट में कार्टून निकल के आया, वहाँ से स्टार्टिंग हुई एंग्री बर्ड की। देख रहे हो अब इस चीज़ को, अपने मन की सुनी, मन की डिजाइन देखी,
मन का गेम बनाया, तब जाके उनके पास एक ऐसी सक्सेस आई जो वो गेम कितना चल निकला। पहले कॉपी कर करके बनाया था कि मतलब ऐसा गेम होता है तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, 50 गेम बिल्कुल नहीं चले, और चले होंगे तो थोड़े बहुत चले। सोचो हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, तो क्या हम उसमें से एक अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं निकाल सकते जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू रख दे? वैल्यू रखने का मतलब ये नहीं कि कोई सोशल काम करना, आप कैसे भी रह सकते हो, गेम खेल के रह सकते हो, प्रोग्रामिंग करके रह सकते हो, जॉब करके रह सकते हो, बिजनेस करके रह सकते हो। ये आपका माइंडसेट लेवल है कि आपने अपने माइंडसेट लेवल को किस मुकाम पर सेट कर रखा है। अगर बात रही आप दूसरे की कॉपी करोगे तो वो कॉपी आप वहीं तक कर पाओगे जहाँ तक वो आपको शो कराता है कि देख मैंने ऐसा काम किया। जिस दिन उसने बताना बंद कर दिया, आपका काम भी बिल्कुल बंद, क्योंकि आप उस दिमाग में सोच नहीं पाते ना, आप उस चीज़ से खुश रह पाते। आप जब भी अपने मन से करोगे तो एक खुशी तो रहेगी आपके मन में कि मैंने अपने मन से काम किया और जो ऐसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हुआ है, ना कि दूसरे के कहने से हुआ है। दूसरे के कहने के सिर्फ एडवाइस मिलती है, अपने कहने से अपना काम मिलता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।